hello my friends welcome you all my name is surya sir and today in this particular video we'll talk about mh law city five years 2022 cap brown process guys ye warning hai aapke liye because it is the last day okay 12th of october today is the last day टू एडिट द फॉर्म आप ऑप्शन फॉर्म भी एडिट कर सकते हो अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन फॉर्म वंस अगेन आई एम सेंग एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आप ऑप्शन फॉर्म भी एडिट कर सकते हो ओके सो टूडे इज द लास्ट चांस फॉर यू ऑल दोज कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था अगर कुछ भी मिस्टेक है दैन एडिटेड ना ओके कुछ समझ में नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दो एंड या yeah, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना सब कुछ पता चल जाएगा क्योंकि यहां मैं आपको बोलने वाला हूं कि आपको अभी प्रेफरेंसेस बढ़ाने होंगे वाई बिकॉज अल्फाबेटिकल जो मेरिट लिस्ट आउट हुई है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर स्कोर जब मैंने एनालाइज किया आई फाउंड कि इस बार जो कट ऑफ है ऑब्वियसली कम जरूर होना चाहिए लेकिन फिर भी द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वो स्कोर हंड्रेड प्लस मार्क्स आर मोर ओके विद रिस्पेक्ट टू ओ एम एस कैटेगरी कैंडिडेट कॉम्पिटिशन बहुत टफ होने वाला है गाइज ओके okay, यहाँ आपका कट ऑफ बढ़ सकता है सो वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल दी एंड क्योंकि हमें बात करनी है कट ऑफ पता करो एंड प्रेफरेंसेज बढ़ाओ यस yes, गाइज जो भी आपके प्रेफरेंसेस है दैट मीन्स जो भी आपने ऑप्शन दिए अब आपको वो बढ़ाने होंगे वाई चांसेस है या आई नो यू विल गेट जी एल सी ईजीली एंड ऑल्सो आई एल एस ईजीली लेकिन अगर आपने सिर्फ जी एल सी को प्रेफर किया आई एल एस को नहीं देन आई एल एस का भी प्रेफरेंस डाल दो एंड इन केस इफ़ यू आर नॉट गेटिंग आई एल एस दैन गाइज थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी ऑप्शन है वो भी बढ़ा दो ऑल दोज कैंडिडेट वो स्कोर एट्टी टू हंड्रेड मार्क्स उनको भी टॉप टेन प्रेफरेंसेज तो एटलीस्ट देने ही चाहिए ओके सो लेट्स स्टार्ट इन डिटेल बिफोर मूविंग फर्दर गाइड्स वी हैव लॉन्स द बचेज फॉर ऑल दी लॉ एंट्रेंस एग्जाम ऑल दो यू अपेड फॉर एम एच लॉ सी टी और कैपराउन को लेकर सब कुछ आपको मिल रहा है गाइस ओके स्टे विद आवर यूट्यूब चैनल यहां आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेश मिलेगी इन केस यू ऑन आ प्रपेशन फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर देन यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन विद अस यू कैन जॉइन अवर क्लासरूम रूम एट मुंबई कॉल ऑन रिस्पेक्ट नंबर एंड बुक यू सी डेट बोर लीव सी एंड अदर सेंटर एंड पैन इंडिया स्टूडेंट्स यू कैन ट्रैक लाइव विद सो कॉल ऑन एट टू एट फाइट वन फोर फाइव फाइव लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आपको क्या करना है सी हियर आई एम शोइंग यू द वैकेंसी रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट लॉ कॉलेज ओके जीएलसी मुंबई को लेकर उसके बाद मैंने यहाँ सीट मैट्रिक्स बताया आपको गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सेल्फ फाइनेंस ओके दोनों को लेकर बता रहा हूं लेकिन इसके पहले आपको क्या करना है ओके दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ये अब हम आ गए पोर्टल पर ओके एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑप्शन फॉर्म एडिटिंग हैज बीन स्टार्टेड ट्वेल्थ ऑफ अक्टूबर टिल इलेवन फिफ्टी ओके रात के बारह बजे तक का आपके पास समय है और ये समय काफी है मेरा दोस्त ओके okay, नाउ टू द फर्स्ट अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट राउंड वन फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट एक ये ओपन कर लेना है एक ओपन कर लेना है अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट अल्फाबेटिक मेरिट लिस्ट ओ एम एस कैंडिडेट दोनों ओपन कर लो सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दी ओ एम एस कैंडिडेट ओके सी डॉक्यूमेंट हैविंग डिस्क्रिपेंसी ऑल दो सीईटी मार्क्स काफी अच्छा है लेकिन अगर अभी आप एडिट नहीं करोगे डॉक्यूमेंट आपका फुल्ली वेरीफाइड नहीं होगा दैट यू विल नॉट कंसिडर्ड इन कैप राउंड वन ओके ऑल दो कैंडिडेट जिनके नाम के आगे कंफर्म शो कर रहा है कॉग्रेचुलेशन गाइज आपके चांसेस है नाउ सी इन द अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट क्योंकि गाइज मैं अभी क्यों बता रहा हूँ एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई ओके okay? इसके बाद आपको चेंजेस नहीं कर पाओगे सो अब आपके पास टाइम है आज का दिन आपके पास अभी भी है क्योंकि यहां से आप अंदाज लगा सकते हो कि वन नॉट वन के ऊपर और कितने सारे कैंडिडेट हैं ओके ओएमएस को लेकर तो यहां कोई टेंशन ही नहीं, नहीं है क्योंकि आपको कैटेगरी वगैरह कुछ चेक करना ही नहीं है ओके एज़ पर माई एनालिसिस वन को लेकर यहाँ एक कैंडिडेट है वन को लेकर एक कैंडिडेट है 119 को लेकर वन 118 को लेकर थ्री कैंडिडेट्स 115 की बात करून टू कैंडिडेट्स 114 को लेकर बात करूँ दैन नाइन कैंडिडेट्स देन एज पर माई एनालिसिस ट्वेंटी सेवन सीट्स आर देयर इन जी एल सी गवर्नमेंट वन और जी एल सी सेल्फ फाइनेंस ओके ये ट्वेंटी सेवन सीट्स है ओ एम एस के लिए अब यहाँ ट्वेंटी सेवन कैंडिडेट्स अगर मैं पकडूं देन द नंबर कम्स एट हंड्रेड एंड फोर्टीन तक ट्वेंटी फोर कैंडिडेट हो जाते हैं लेकिन अगर इन सब कैंडिडेट ने इनके ऊपर जो भी कैंडिडेट है इन्होंने सब ने अगर जीएलसी को ही प्रेफरेंस दिया है फर्स्ट देन इनका एडमिशन हो जाएगा ओके इफ किसी ने प्रेफरेंस दिया है आई को द फर्स्ट प्रेफरेंस देन लेट्स एज्यूम ट्वेल्व कैंडिडेट्स ओके जिन्होंने आई को प्रेफरेंस दिया तो यहां उनका एडमिशन हो जाएगा और जीएलसी अगर सेकंड प्रेफरेंस दिया है तो वहां उनको एडमिशन मिल जाएगा बाकी बारह स्टूडेंट्स का ठीक है तो ऐसे क्या होने वाला है आपका जो कट ऑफ है वो नीचे आता है कैसे आता है गाइज देखो पहले आपको ये चेक करना है कि मुझसे आगे कितने हैं उसके बाद ये देखना है कि मेरे पीछे कौन से कैंडिडेट हैं ओएमएस को लेकर तो यहाँ कोई कैटेगरी का टेंशन ही नहीं है तीसरा डॉक्यूमेंट अगर शोइंग डिस्क्रिपेंसी देन ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं इनके भी चांसेस है वहाँ आने के इन केस आपने 115 स्कोर किया है और 115 पे दो कैंडिडेट हैं आप एक कैंडिडेट हो जिनका डॉक्यूमेंट कंफर्म है दूसरा कैंडिडेट है जिसका डॉक्यूमेंट कन्फर्म नहीं है ठीक है तो उसको भी कंसिडर करो क्योंकि उसके पास आज का दिन है उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे और वो भी पार्टिसिपेट करने वाला है ठीक है सो ऐसे आपको काउंट करना है एंड देन कितनी सीट्स है तो वो सीट भी आपको देखनी है किस पर्टिकुलर कॉलेज में लाइक like, जैसे मैं ओएमएस को लेकर बात कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि 27 सीट्स है जीएलसी में 24 सीट्स है आईएलएस में ओके okay? इनको काउंट कर लो ठीक है एक अंदाज़ा पकड़ लो फिफ्टी वन आते हैं ठीक है फिफ्टी वन सीट हैं दें फॉर आई एल एस एन जी एल सी सो फिफ्टी वन टॉप फिफ्टी वन कैंडिडेट्स फ्रॉम द अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट एज पर दी स्कोर आपको देख लेना है उनके चांसेस पक्के हैं इफ़ नॉट और आपने प्रेफरेंसेस नहीं दिए देन गाइज प्रेफरेंसेस बढ़ा लो ओके okay? सेम अगर बात करूँ महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट को लेकर देन अगेन यहाँ आपको देखना है ओपन कैटेगरी पहले रिस्पेक्टिव स्कोर देख लो ऑल दोज कैंडिडेट जिन्होंने हंड्रेड एंड फाइव वन जीरो थ्री ऐसा अच्छा मार्क्स स्कोर किया है ओके okay? अगर मैं एनालिसिस की बात करूँ देन वन जीरो थ्री को लेकर ऑलमोस्ट फोर्टी कैंडिडेट्स है वन ज़ीरो फाइव को लेकर थर्टी एट कैंडिडेट्स है ओके okay? सो so, काफ़ी अच्छा चांस है वन ज़ीरो सेवन तक ओके okay? यहाँ जो कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट हैं ईजीली जी एल सी में चले जाएंगे ठीक है और जी एल सी आई एल एस अगर दोनों प्रेफरेंस दिया है ओके okay? तो वन नॉट थ्री तक कट ऑफ आराम से आ सकता है सो so, यह आपके चांसेस है इन केस अगर आपने प्रेफरेंसेस कम दिए गाइज अभी भी बढ़ा लो आई एम सेंग ओके देखो फर्स्ट राउंड में आप ट्राई कर रहे हो फर्स्ट राउंड में जी एल सी आई एल एस और यह आपने दे दिया पी जी सी एल ठीक है चलो जी एल सी नहीं मिला चलो आई एल एस नहीं मिला पी जी सी एल मिला ठीक है डाल दो इसको फ्लोट पे एंड ट्राई इन द सेकेंड राउंड फॉर आई एल एस एंड जी एल सी श्योर गाइज यह आपको आई एल एस मिल सकता है इन केस नहीं मिला देन पी जी सी एल का सीट तो हमारे लिए है ओके सो प्रेफरेंसेस बढ़ाने हैं एज पर योर कैटेगरी आप चेक कर लो ओपन कैटेगरी को लेकर बात करूँ काफ़ी सारे ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं इवन हंड्रेड एंड एलेवन स्कोर की बात करूँ देन वहाँ ओ बी सी कैंडिडेट भी है एन टी सी कैंडिडेट भी है ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट भी है सो ऑल दोज ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट उनके यहाँ चांसेस बनते हैं एक ओपन वाला एक ओपन कैटेगरी का बंदा यहाँ आ सकता है कट ऑफ नीचे जाएगा एन टी सी अगर उसने सीट ले ली जीएलसी के लिए तो ओपन वाले का यहाँ और चांस बढ़ जाएगा उसकी एक सीट आ गई भाई यहाँ ईडब्ल्यू का भी कैंडिडेट है देन ओपन वाले का और एक चांस बढ़ गया क्योंकि इनके लिए तो अलग रिजर्वेशन है राइट सो रिजर्वेशन भी आपको चेक करना है तो उसके लिए क्या करना है उसके लिए आना है यहाँ और यहां आपको चेक करने हैं पहले सीट मैट्रिक्स ओके सो जीएलसी को लेकर 53 सीट्स फॉर जनरल यहाँ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट बोथ होने वाले और एक फीमेल सीट्स जो 23 है 23 सीट्स ये तो कंपलसरी है कि फीमेल कैंडिडेट से ही फिलअप होनी चाहिए यहाँ अगर ओपन से नहीं हो पाती तो कोई बात नहीं या फिर दूसरे कैटेगरी के भी कैंडिडेट आ सकते हैं लेकिन ये जो जनरल सीट है फिफ्टी इसमें मेल एंड फीमेल कैंडिडेट बोथ आने वाले ठीक है सो यहाँ आपके पास सीट्स है सेवेंटी सिक्स फोर्टी परसेंट जो सीट्स है वो आपके ओपन कैटेगरी के लिए है ओके महाराष्ट्र को लेकर एटीन सीट्स एटीन सीट्स है ये ओएमएस के लिए ठीक है अब अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट में अपना स्कोर चेक कर लो गाइज एंड एटीन ओके एटीन नंबर तक आप आ रहे हो दैट मीन्स श्योर शॉर्ट आपको जेल तो मिलेगा ही क्योंकि आपने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है और एडमिशन भी लेने जाना है आपको ओके फिफ्टीन टू एटीनथ ऑफ अक्टूबर काफ़ी कम टाइम दिया है यहाँ आपको कॉलेज में विजिट भी करना होगा और डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी करा लेने ओके okay? फिफ्टीन को ही आपका अलोकेशन होगा थर्टीन को क्या होने वाली है फाइनल मेरिट लिस्ट आउट सो किस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो देख लो गाइज उनके लिए सीट कितनी है ओके एन आर आई से हो एन आर आई हो देन नाइन सीट साधे है इनकेस एन आर आई से सीट फिलअप नहीं हो पाती देन गाइज ओ एम एस कैंडिडेट के यहाँ चांसेस है एंड ऑल्सो फॉर द ओपन कैटेगरी के यहाँ चांसेस है ठीक है लेकिन ये अब नहीं पता चलेगा ये आपको आफ्टर सेकेंड राउंड तक पता चलेगा ओके okay? सो so अब फोकस करना है इन पर्टिकुलर सीट्स पर वही अगर सेल्फ फाइनेंस की बात करूँ देन ट्वेंटी फोर सीट्स फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट राइट नाइन सीट्स फॉर अदर देन महाराष्ट्र ओके थ्री सीट्स फॉर एन आर आई सो सीट मैट्रिक्स चेक कर लो कितने सीट्स हैं आपके लिए एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रेफरेंसेस बढ़ा लेने सेम इफ यू टॉक अबाउट द आई एल एस ओके देन आई एल एस को लेकर ट्वेंटी फोर सीट्स आर देयर फॉर अदर देन महाराष्ट्र कैंडिडेट ओके सो जैसे हमने बात की जी एल सी में ट्वेंटी सेवन एंड आई एल एस में ट्वेंटी फोर ओके हो गई आपकी फिफ्टी वन सीट्स ओके अब ओ एम एस कैंडिडेट फिफ्टी वन ओके ये जो फिफ्टी वन का नंबर आता है That comes at 112 according to अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट ओके सब कैंडिडेट को पकड़ा मैंने यहाँ जिन जिनके डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी भी है फिर भी तो हंड्रेड एंड ट्वेल्व ये तो कट ऑफ हो ही सकता है इनकेस एज ए सैड इनकेस यहाँ जी एल सी आई एल एस को प्रेफरेंस तो दिया ही है इन फिफ्टी वन कैंडिडेट्स ने लेकिन इनमें से कुछ दस कैंडिडेट ऐसे है जिन्होंने किसी और कॉलेज को प्रेफरेंस दिया है लाइक like, किसी ने पी जी सी एल को फर्स्ट दिया है ओके okay? किसी ने आर टी एम एन यू को फर्स्ट दिया है किसी ने नासिक के कोई कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है किसी ने औरंगाबाद को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है तो हो सकता है ये जो सीट्स है ओके या फिर जी में वैकेंट और जो दूसरे जो कैंडिडेट है, जिन्होंने स्कोर किया है हंड्रेड एंड हंड्रेड एंड टेन इनके चांसेस बनते हैं टू तो गेट इंटर टू दी जी एंड आई ओके गाइस तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है ये सीट जो इनटेक है सीट मैट्रिक्स इनको चेक कर लेना है कितनी सीट्स अवेलेबल है हमारे लिए और अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट में ज्यादा फोकस मत करो गाइस ज्यादा दिमाग मत लगाओ सिर्फ कट ऑफ वाली जो मैंने वीडियो बनाई है फॉर एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेफरेंस के लिए वो देखो और अपने प्रेफरेंसेस बढ़ा दो ओके कट ऑफ आपको तुरंत पता चल जाएगा एंड ऑल्सो दी प्रेफरेंसेस ओके कि कौन से हमें अभी देने चाहिए सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड स्टिल हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज इन योर माइंड देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड या गाइस डू सब्सक्राइब अर यूट्यूब चैनल क्योंकि यहाँ अपडेट्स बहुत सारे आने वाले ओके सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड वॉ प्रिपरेशन, दें जॉइन अवर बैचेस एंड फॉर ऑल एग्जाम अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन फॉलो अवर सोशल मीडिया हैंडल सच यूट्यूब, फेसबुक इंस्टा एंड यू कैन ऑलो जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड ऑल द बेस्ट फॉर करियर गाइज स नेक्स्ट वीडियो